पद्मा दामोदरन। तो मैं इस फिल्म में माधो के मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और हम मिले। एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, उसकी सिनॉप्सिस भेजा और फिर स्क्रिप्ट भेजी, और जब मैंने उस सिनॉप्सिस और स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। वो एक कहानी है जो मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ने में, तो ऑब्वियसली मज़ा आएगा करने में। थोड़ी फनी है, थोड़ा सीरियस भी है, लोगों के स्ट्रगल के बारे में, ऐसी कम्युनिटी के बारे में जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, और कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं। और ये कोई ऐसी सैड फिल्म नहीं है जो, हाँ इसमें ड्रामा है, पर ये भी है कि हर कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर वो खड़ा हो सकता है, और ये बहुत होप है इस फिल्म में, और यही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। और फिर इन्होंने कहा कि वो यंग है डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो वो भी इंटरेस्टिंग लगा कि ये फिल्म उनके लिए बहुत ही रियल है। और जैसे अब संजय जी हैं, विवान है, तो मज़ा तो आएगा ही फिल्म करने में। सिंपल सी कहानी है, मेरा बेटा है जिसने जी विवान की माँ बनी, माधो जो कैरेक्टर का नाम है उसकी माँ बनी हूँ, और वो उस तरह की माँ है जो जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे में इतना हुनर है, तो जो भी हो वो उसके पीछे खड़ी है और वो उसे सपोर्ट करती है, और उसके लिए बहुत मुश्किल है ये करना, पर फिर भी वो करती है, और उसके हेल्प से भी माधो आगे बढ़ता है। जब से मैं छोटी थी, मैं अगर घर में कोई फंक्शन होता था तो मैं एक्ट करती थी, फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो काफ़ी सालों तक मैंने सिर्फ डांस किया, मैं वैसे एक्टिंग नहीं कर रही थी, और स्टेज पे बहुत मज़ा आया, और अभी भी डांस करती हूँ। फिर ऑफकोर्स मैं थिएटर बहुत करती हूँ, तो ऐसे करते करते जो, क्योंकि वही ना लोगों की कहानियाँ जो हम सुनाते हैं, आई थिंक वही उसी इसमें से इंस्पायर हुई। काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है इस डायरेक्टर पर और जो ये एक्टर्स हैं, और मुझे लगता है कि इस पैशन और इस टैलेंट के साथ एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड भी है, इनकी जैसे प्लानिंग है, जैसे वो कह रहे थे इसके बारे में, और वो मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से ये फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। ऑफ कोर्स इस पे काम करना है, और मैं सोचूं कि अगर लोग ऐसा काम करें तो ये फिल्म बहुत आगे निकल सकती है।